नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ अपडेट के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेंगे स्प्रूट एसडीएम 1 के बारे में, जो कि रशिया द्वारा बनाया गया लाइटवेट कैडियर का टैंक है। और इसके प्रोक्योरमेंट को लेके जो अनुमति है इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के अंतर्गत, वो जुलाई में दी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। सो यहाँ पे इसको लेके ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि इस टैंक को प्रोक्योर करने के लिए जो वार्ता है वो चल रही थी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के रूप में। अब ये जो वार्ता है वो फाइनल स्टेज में है कंक्लूजन के, और प्रोबेबली इस तरह के जो 12 टैंक है स्प्रूट एसडीएम वो खरीदे जाएंगे। कीमत होगी वो ऑलमोस्ट पड़ने वाली है आपको 500 करोड़ के अराउंड। तो यहाँ पे ये वही अमाउंट है जो कि अलॉट किए गए थे गलवान क्लैश के बाद, जो भी आपके चीफ है आर्म्ड फोर्सेस के, उन तीनों चीफ को अलॉट किए गए थे 500 करोड़ रुपए ईच। सो यहाँ पे ये जो 24 स्प्रूट एसडीएम होंगे, इनकी जो कीमत होगी वो आपको 500 करोड़ के अराउंड ही बैठने वाली है। इस तरह के लाइट टैंक को प्रोक्योर करने का जो आइडिया है वो तब आया था जब चीन ने भी दूसरी तरफ अपने साइड पे जो लाइट टैंक है हाई मोबिलिटी के लिए माउंटेनियस एरिया में डिप्लॉय किए थे। तो उसको देखते हुए ही वो जो एक डेफिशिएंसी थी उसे पूरा करने के लिए जो स्प्रूट एसडीएम है इसको चुना गया था। और वैसे भी जो स्प्रूट एसडीएम है इसके जो पार्ट्स हैं और मेंटेनेंस डिवीजन है वो काफ़ी कॉमन है हमारे ऑलरेडी जो सर्विस में T-72 और T-90 है उनसे। वहीं पर दूसरी तरफ एडवांटेज की बात करते हो तो जो आपके स्प्रूट एसडीएम है इनको आप कैरी कर सकते हो एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू, और ये भी इस्तेमाल करता है 125mm गन का। सो यहाँ पे इसको लेके जो डील का कंक्लूजन है वो जल्द ही आपको देखने को मिलेगा, जो कि अभी इनिशियली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के रूप में जो 24 टैंक है वो फर्स्ट ट्रेंच में लिए जाएंगे। जहाँ तक टोटल नंबर की बात है तो वो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 50 होने वाले हैं। अगले अपडेट की बात करते हो तो रफाल को लेके है। तो रफाल के 2 और एडिशनल स्क्वाड्रन को प्रोक्योर करने के लिए जो कहीं ना कहीं इंडिकेशन है वो अभी हाल ही में एयर चीफ के बयान से आपको देखने को मिला है, जहाँ पे एयर चीफ का मानना ये है कि जो MRFA है वो होगा या नहीं वो एक डिबेट का विषय है कि MRFA लेना है या फिर एडिशनल 2 और स्क्वाड्रन लेने हैं रफाल के। तो ये एक डिबेटेबल इशू है, जहाँ पे जो MRFA के लिए RFI है उसके जो रेस्पॉन्स है वो आ चुके हैं। वहीं पे दूसरी तरफ IAF जो एडिशनल 83 TSMK-1 है उनको प्रिक्योर करने का भी जो प्लान है उसको लेकर आगे बढ़ना चाह रही है। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं जहाँ पे रफाल के 2 और एडिशनल स्क्वाड्रन MRFA के एवज में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए वो अगर डिबेट में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो एक सेकेंड थॉट है वो दिया जा रहा है 3600 रफाल को खरीदने की तरफ। बात कर लेते हैं एक और अपडेट की, जो कि आप अपडेट नहीं कहोगे, ये काफ़ी समय से देखा जा रहा था कि भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए जो एक इंजन बनाया जाना है, और ये इंजन देसी होने जा रहा था जो कि 110 kN का जो थ्रस्ट है वो जनरेट करेगा। तो इस इंजन के डेवलपमेंट को लेके एक जो नया ऑफर है वो भी आपको सामने देखने को मिल रहा है, जहाँ पे सैफरान का जो ऑलरेडी 30% का ड्यू अमाउंट है रफाल डील का, जो कि ऑफसेट के रूप में था और वो उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं किया है कावेरी प्रोजेक्ट में, तो उस 30% को पॉसिबली जो उन्होंने ऑफर किया था लास्ट ईयर AMCA के लिए हाई थ्रस्ट इंजन को डेवलप करने को, तो वो 30% का जो अमाउंट है वो वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, जहाँ पे जो आपका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो भी पिक्चर में रखा गया था। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि ये जो जॉइंट वेंचर होगा सैफरान और DRDO के बीच में एमका के इंजन के लिए, अगर ये जॉइंट वेंचर बनाया जाता है, अगर आप फुल टॉट करते हो और मान लो जो हॉट कोर का सेक्शन है वो सैफरान के हिस्से में हुआ, तो क्या जो उसका IPR है वो भारत को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका डेफिनेशन होना भी जरूरी है। अब इसको डिफाइन नहीं किया गया है कहीं भी ऑफिशियली, जैसे कि आप ब्रह्मोस के JV में देखते होंगे कि ब्रह्मोस का जो लिक्विड फ्यूल रैमजेट है वो NPO के हिस्से में है, और उसको लेके जो IP है वो आपके पास नहीं है। तो यहाँ पे अगर हॉट कोर में सैफरान कंट्रीब्यूट करती है तो जो IP है वो अगर भारत को मिलता है तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। सो यहाँ पे अपडेट ये है कि एमका के इंजन में ही वो इन्वेस्ट करने वाले हैं अपने 30% ऑफसेट अमाउंट को। अब बात करते हैं भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बारे में, स्पेशली बात करते हो अब ये प्रोजेक्ट कहाँ पे है। तो इसकी जो फिजिबिलिटी स्टडीज है वो कंडक्ट कर ली गई थी, हम सभी जानते हैं। कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑलमोस्ट तय कर लिया गया है, जो प्रिलिमिनरी डिज़ाइन है वो कंप्लीट कर लिया गया है, जहाँ पर जो एडिशन है DSI का यानी कि डायवर्टरलेस सुपरसोनिक इंटेक का वो कर दिया गया है। इसका जो क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू है वो दिसंबर 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसमें बेसिकली इसके एयर फ्रेम पे जिस तरह के भी लोड हैं उनको डाल के चेक किया जाएगा, और डिजाइन को लेकर जो भी इम्प्रूवमेंट चाहिए होंगे वो सभी यहाँ पे किए जाएंगे। और 2024 में ये पहली बार रोल आउट होगा और 2025 में ये पहली फ्लाइट लेगा। हालांकि इसको लेकर बहुत लोगों का मानना है कि ये जो टाइम फ्रेम है वो काफ़ी जल्दी है और पॉसिबली भारत शायद अचीव ना कर पाए। तो यहाँ पे आप इसको लेकर ये कह सकते हो कि भारत ने जब अपना पहला एयरक्राफ्ट बनाया था तेजस, तो वहाँ पे उसको लेकर उसमें इन्वॉल्व जो भी टेक्निक थी वो भारत पहली बार डेवलप कर रहा था, जो कि ऑलमोस्ट 4+ generation की टेक्निक थी। तो भारत वो पहली बार डेवलप कर रहा था इसलिए भारत को वहाँ पे टाइम लगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो आपके पास 4+ generation की टेक्निक ऑलरेडी उपलब्ध है आपको उसी पर जो एडवांसमेंट है वो करने हैं। तो आपके पास जो एक टेक्निक है इन हैंड वो उपलब्ध हो चुकी है, और यही एक की फैक्टर की पॉसिबली जो फर्स्ट फ्लाइट है 2025 में वो संभव है। तो यहाँ पे अगर जो भी फाइटर जेट है उनके टाइमलाइन देखते हो तो TS का जो MK-1 है उसकी जो डिलीवरी है वो 2023 में शुरू होगी,
मार्क टू का जो प्रोडक्शन है वो 2026 में जाना है, TS मार्क टू का। एमका का जो मार्क वन है उसका जो प्रोडक्शन है वो 2031 में जाना है, और जो मार्क टू है जो कि भारतीय एडवांस इंजन पे फ्लाई करेगा तो उसका जो प्रोडक्शन है वो 2034 तक संभव है। तो कुछ इस तरह की जो आपकी टाइमलाइन है वो होने जा रही है, जो कि आपको सेल्फ सफिशिएंट बनाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जय हिंद।